ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवाल। आप सभी को पता है कि दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर कदम उठाती रहती है। इसी को लेकर दिल्ली सरकार ने सबसे पहले ऑडी वन का भी कदम उठाया, उसके बाद रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का भी अभियान चला। तो अब दिल्ली सरकार इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी ऑन और प्रदूषण ऑफ का अभियान चलाने जा रही है। दिल्ली सरकार का कहना है कि अगर दिल्ली की जनता इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी का प्रयोग करेगी तो दिल्ली के प्रदूषण जितना भी बढ़ता है उसको खत्म कर दिया जाता है। तो आज हम दिल्ली की जनता से ही पूछेंगे कि क्या इस कदम से दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को खत्म किया जा सकता है। तो ये चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। दिल्ली सरकार इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां लेकर आए तो क्या लगता है प्रदूषण में कमी आएगी दिल्ली में? हाँ जी, बिल्कुल आ सकती है। पॉल्यूशन की में कमी तो आ सकती है। जब कोई इलेक्ट्रिक वाहन चलेगा तो जरूर कुछ ना कुछ तो होगा। बिल्कुल होगी, होनी चाहिए, लेकिन अफोर्डेबल प्राइस पे हो गाड़ी, तब परचेज कर पाए लोग। ऐसा ना जो 20 लाख का है तो महंगा होगा तो कैसे खरीदेंगे लोग, आम आदमी? मैम बिल्कुल आएगी, मुझे लगता है बिल्कुल आएगी। और ये तो अच्छा कदम है, अच्छी बात है, लेकिन आ रही दिल्ली सरकार। तो आपको क्या लगता है कमी आएगी प्रदूषण में इलेक्ट्रॉनिक वाहन से? आपको क्या लगता है दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आएगी तो प्रदूषण कम होगा? हो सकता है, हाँ हाँ जी, चांसेस तो है। सर क्या लगता है दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आएगी तो प्रदूषण कम होगा? कम तो होना चाहिए। सरकार लगातार अभियान चलाती रहती है तो इससे भी अभियान से कुछ फर्क पड़ने वाला है? अब दिल्ली सरकार एक नई स्कीम लेकर आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी खरीदने पे सब्सिडी भी मिलेगी। क्या लगता है इससे प्रदूषण में कमी आएगी? कमी तो आनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली का प्रदूषण इतना है, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी से कुछ प्रभाव पड़ेगा? हाँ पड़ेगा तो सही। मैं श्योर नहीं हूँ इस बात को लेकर, डिपेंड करता है सबकी सोच पे कि प्रॉफिटेबल है, कई सोचेंगे है कई सोचेंगे नहीं। आपको क्या लगता है कि दिल्ली में प्रदूषण के दर में कमी आने वाली 6 महीने के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आई तो? वो तो मैडम सबका जो विचार है वही होगा ना, हमारे अकेले करने तो होगा नहीं, लेकिन होना चाहिए, जो सच्चाई है वही होना चाहिए ना। जिस तरह से आपने देख लिया कि सभी का यही कहना है कि अभी हम पूरे श्योर नहीं है और अभी हम पे पूरा विश्वास नहीं है कि दिल्ली में अब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आती है तो प्रदूषण के दर में कमी देखी जाएगी, पर देखने वाली बात होगी कि 6 महीने बाद जब ये गाड़ी चलेगी तो दिल्ली के प्रदूषण में कितनी कमी आएगी। कैमरन योगेंद्र के साथ मैं शिवानी मोरवाल, दिल्ली दर्पण। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर